अभी हम थायराइड डिसऑर्डर देखेंगे। जब थायराइड का हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड कम हो जाता है, और हाइपर थायरॉयडिज्म थायराइड ज़्यादा होता है तो क्या होता है, थायराइड कम हो जाता है तो क्या होता है, जो बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाएगी, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगी, जो पल्स रेट है वो कम हो जाएगी, और जो ब्रीथिंग रेट है वो कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा, मेंटल एपैथी हो जाएगी। और हाइपोथायरॉयडिज्म से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं, सबसे पहला होता है सिंपल, या इसको अपन कोलॉइड गोइटर भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये खाने में जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है, और इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का जो साइज़ होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और थायराइड जो हार्मोन है वो क्या करता है, ह्यूमन को एक्टिव बनाए रखता है, और जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो थायराइड का पेशेंट होगा वो क्या होगा, स्लेगिश होगा, एक्टिव नहीं होगा। और इससे अपन ने क्या देखा था, थायराइड हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक ट्रैक होता है उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज़ करता है, बट जब इसकी कमी हो जाएगी तो जो मोटिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। और सिंपल और कोलॉइड गोइटर में क्या होता है, यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है, और डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, जो T3 और T4 सेल है वो बनते ही नहीं है, और वो क्या होते हैं, बनते ही नहीं है, और इसमें क्या होता है, वेट गेन भी हो जाता है। फिर दूसरा है गोइटर के बाद में क्रिएटिनिज्म। जब प्रेगनेंसी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो बच्चा होता है वो क्या होता है, उसमें क्या हो जाता है, क्रिएटिनिज्म हो जाता है। क्रिएटिनिज्म में क्या होता है, जो बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, बेबी का क्या होता है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, वो मेंटली रिटार्डेड होता है, उसकी स्किन जो होती है वो एबनॉर्मल होती है, उसके जो मसल हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, पोर्ट बैलेट होते हैं, उसकी क्या होती हैं, तोन निकली हुई होती हैं, और उसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एब्सेंट होते हैं। फिर तीसरा हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, मिक्सिडमा होता है, इसको अपन गर्ल्स डिसीज़ भी बोलते हैं, और ये क्या होता है, ऑटो इम्यूनो डिसीज़ होता है, और इसको मिक्सिडिमा को अपन स्पॉडियक गोइटर भी बोलते हैं, स्पॉडियक गोइटर भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, प्रोटियो जो ग्लाइकन होते हैं, प्रोटियो ग्लाइकन होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से होता है। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो जाती है, ब्रैडीकार्डिया हो जाता है, मतलब जो ब्रीथिंग रेट होती है वो कम हो जाती है, हेयर फॉल होता है, बीपी कम हो जाती है, जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, ब्रैडीकार्डिया मतलब जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, वेट अपन ने देखा ऊपर की थायराइड की कमी होती है तो क्या क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, वेट कम हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एंडेमिक गोइटर। जब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है और किसी भी एरिया में जब बहुत सारे गोइटर के पेशेंट मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। एंडेमिक मतलब कोई भी जब पार्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी एरिया, जैसे कोई भी हिली एरिया ले लो, वहाँ पे हिली एरिया में क्या होते हैं, मोस्टली आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर में जो आयोडीन होता है वो क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है। और जो सी फूड खाते हैं या प्याज खाते हैं उनमें क्या होता है, आयोडीन की कमी कभी नहीं होती। तो एंडेमिक गोइटर क्या होता है, जैसे कोई भी हिली एरिया है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जब गोइटर होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक गोइटर बोलते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है थायराइड का डिसऑर्डर वो क्या है, हैशिमोटो डिसीज़। और हैशिमोटो क्या होता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और ये मिडिल एज में होता है। हैशिमोटो डिसीज़ किसकी वजह से होता है, जब थायरोग्लोबुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, थायरॉयड फॉलिकल, थायरॉयड जो फॉलिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और यहाँ पे जो T3 और T4 का लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी सिंपल गोइटर में अपन ने देखा था T3 और T4 क्या होते हैं, बन ही नहीं रहे होते हैं, और हैशिमोटो डिसीज़ में क्या होते हैं, जो T3 और T4 है उनका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये अपन ने देखे हाइपोथायरॉयडिज्म ये डिसऑर्डर। फिर अपन देखते हैं हाइपर, जब जब थायरॉयड हार्मोन है अगर वो एक्सेस में हो जाता है तो क्या क्या होता है, अपने जब थायरॉयड हार्मोन के फंक्शन देखे उसका उल्टा उल्टा होगा, तो उल्टा क्या होगा, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से वो हमेशा उसको नर्वसनेस रहेगी, वो एंग्शियस रहेगा, जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो वो एक्टिव है वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहने लग जाएगा, ब्रेन क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाएगा, और उसकी वजह से उसको क्या होगा, इनसोम्निया होगा, नींद नहीं आएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, 15-16 घंटे सोता है, और हाइपर थायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है उसको नींद ही नहीं आती, उसको क्या हो जाएगा, इंसोनिया हो जाएगा। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, एग्जोप्थेल्मिक गोइटर, इसको अपन ग्रेव डिसीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, थायरॉयड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा, थायरॉयड ग्लैंड की साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको एग्जोप्थेल्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो आई बॉल है उनका क्या हो जाएगा, प्रोट्रूजन हो जाएगा, वो बाहर निकली हुई लगेगी, और वही इसमें बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हेयर लॉस होगा, वेट लॉस होगा, इंसोम्निया हो जाएगा, वो एंशियस होगा, और जब ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होगा तो वो टॉकेटिव होगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा। और इसकी थेरेपी क्या है, इसमें एंटी थायर जब थायरॉयड बढ़ गया तो इसकी एंटी ड्रग देंगे, मतलब एंटी थायरॉयड ड्रग देंगे। और इसमें जो पार्ट है, ये किस मेनली हाइपर थायरॉयडिज्म क्यों होता है, जब पिट्यूटरी में या थायरॉयड में जब कार्सिनोमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो उस जो पर्टिकुलर जो एरिया है उसको अपन क्या करेंगे, सर्जरी से रिमूव कर देंगे। तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, पार्शियल थायरॉयडेक्टोमी, और तीसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन। और एक्सोथेलेमिक गोइटर भी क्या है, एक
ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इधर अपन ने देखा था हैशिमोटो था वो क्या था, ऑटो इम्यून डिजीज़ था, और इधर हाइपर में क्या है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है, वो भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और इसमें अपन ने देखा था कि हैशिमोटो डिजीज़ में जो थायराइड फॉलिकल बन रहे हैं वो फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और यहाँ एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होते हैं, जो रिसेप्टर बन रहे होते हैं उन वो क्या हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम रिलीज़ होता है, कम रिलीज़ होगा तो T3 T4 का नंबर बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। अगर आयोडीन की अमाउंट 50 UGM से कम हो जाएगी तो थायरॉयड डिसऑर्डर डेवलप होंगे। जो मिनिमल अमाउंट होती है, जो एडिक्वेट अमाउंट होती है आयोडीन की, वो होती है 200 UGM पर डे। तो ये अपन ने देखें थायराइड के अगर कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है तो उससे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन अपन ने देखा थायराइड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और दूसरा हार्मोन अपन देखेंगे कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन अपन ने देखा T3 T4 को थायरोक्सिन बोलते हैं, ये किससे रिलीज़ हो रहे थे, चीफ सेल से रिलीज़ हो रहे थे। और कैल्सिटोनिन किससे रिलीज़ हो रहा था, ये रिलीज़ हो रहा था पैराफॉलिकुलर सेल से, और इसको अपन सी सेल्स भी बोलते हैं। और कैल्सिटोनिन जो होता है उसमें आयोडीन नहीं होता, जैसे अपन ने देखा थायरोक्सिन होता है उसमें क्या था, आयोडीन था, और कैल्सिटोनिन में क्या होता है, आयोडीन नहीं होता, और ये क्या होता है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है। और कैल्सिटोनिन को अपन कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, ब्लड में जो कैल्शियम होगा उसके अमाउंट को कम करेगा, इसको अपन कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और ये कैल्शियम लोवरिंग हार्मोन या हाइपोकैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम लोवरिंग या फिर हाइपोकैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये कैल्शियम को लोअर कैसे करेगा, जो कैल्शियम होगा उसको क्या करेगा, बोन पे डिपॉजिट कर देगा। तो ये कैल्शियम के बोन के डिपोजिशन को एनहेंस करेगा, और जो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और ये जो बोन का जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उसको भी क्या करेगा, कम करेगा। और जो कैल्शियम आयन है यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हैं उनको क्या करेगा, जब ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, उस कैल्शियम को क्या करेगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देगा। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा, बोन के रीअब्सॉर्प्शन को कम करेगा, बोन के डिपोजिशन को बढ़ाएगा। और ये जो कैल्शियम को ब्लड में से निकाल के कहाँ लेके जाएगा, बोन पे लेके जाएगा, और जो कैल्शियम है वो बोन पे कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाएगा, और उससे क्या होगा, बोन्स क्या होंगी, सॉलिड होंगी और स्ट्रांग होंगी। इसमें ध्यान रखना है कि जो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो किसके एंटागोनिस्टिक है, ये पैराथॉर्मोन के एंटागोनिस्टिक है। अभी अपन देखेंगे पैराथॉर्मोन या फिर कॉलिप्स हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है, उसके उल्टा वर्क करता है। यहाँ ध्यान रखना, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को लोअर करेगा, जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन में उसके एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, और जो कैल्शियम है उसको क्या करेगा, बोन पर डिपॉजिट करेगा, तो उसकी वजह से क्या होंगे, बोन स्ट्रांग होंगे। और ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को भी क्या करेगा, कम करेगा। और ये क्या करेगा, कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, और जो ब्लड में कैल्शियम उसको कम करेगा, बोन के रीअब्सॉर्प्शन को भी कम करेगा, बोन डिपोजिशन को बढ़ाएगा। तो ये अपन ने देखे कैल्सिटोनिन के फंक्शन। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अपन देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये क्या होता है, एंडोडर्मली ओरिजिन होता है, और ये क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो 84 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और अपन ने अभी पीछे देखा था कैल्सिटोनिन हार्मोन देखा था जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को लोअर करेगा, और ये पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या करेगा, उसके एंटागोनिस्टिक वर्क करेगा। तो ये क्या करेगा, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है, पैराथॉर्मोन रिलीज़ होता है, इसको अपन कॉलिप्स हार्मोन भी बोलते हैं, और ये वही प्रोटीन हार्मोन होता है, या फिर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, एक ही बात है। और ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा लेवल है उसमें कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखेगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, होम्योस्टेटिस। ये क्या करेगा, कैल्शियम और जो फोस्फेट आयन है उनको प्लाज्मा में रेगुलेट करेगा। और होम्योस्टेटिस में कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, एक तो पैराथॉर्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन B3। होम्योस्टेटिस में कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, एक तो पैराथॉर्मोन, एक कैल्सिटोनिन और एक विटामिन B3। और ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ ये कैल्शियम और फोस्फेट आयन का रेनल एक्सक्रीशन भी करेगा, उनको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी करेगा। अपन ने देखा था कैल्सिटोनिन था वो क्या था, हाइपोकैलेमिक हार्मोन था, और यहाँ पे क्या, ये कैल्सिटोनिन क्या है, हाइपरकैलेमिक हार्मोन है, क्योंकि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता था। अपन ने उधर देखा था कि जो कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, जो कैल्सिटोनिन होता है वो क्या कर रहा था, बोन के रीअब्सॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर रहा था, पैराथॉर्मोन क्या करेगा, बोन के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, कैल्शियम है वो प्लाज्मा में ज़्यादा रिलीज़ होगा। और ये पैराथॉर्मोन कैल्शियम प्लाज्मा में इंक्रीज़ और कहीं से करेगा, जो फूड में जो कैल्शियम है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और ये जो किडनी में जो कैल्शियम है, नेफ्रॉन में जो कैल्शियम है, उनका भी क्या होगा, रीअब्सॉर्ब करेगा, और उनको ECF फ्लूइड में लाएगा, तो वहाँ पे भी क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा।
और पैराथॉर्मोन को फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो जो विटामिन डी की डिफिशियंसी के जो डिसीज़ हैं जैसे रिकेट्स, तो इसमें क्या होता है, पैराथॉर्मोन जो होता है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। अपन ने कैल्सिटोनिन में देखा था वो क्या करता है, जो बोन होती है वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन करता है, बट पैराथॉर्मोन क्या करेगा, कैल्शियम को बोन से रिमूव करेगा। और ये क्या करेगा, अपन ने यहाँ देखा था कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। पैराथॉर्मोन उसका उल्टा क्या करेगा, यूरिन का जो एक्सक्रीशन है उसको क्या करेगा, कैल्शियम का यूरिन एक्सक्रीशन है उसको कम करेगा, और जो फोस्फेट का है एक्सक्रीशन उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ये अपन ने देखे पैराथायरॉयड ग्लैंड के फंक्शन। अब अपन देखते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट पैराथायरॉयड ग्लैंड के पैराथायरॉयड जो हार्मोन है उसके डिसऑर्डर देखते हैं। एक तो उसके हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। पैराथायरॉयड जो हार्मोन है वो क्या करता है, जो कैल्शियम लेवल है उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखेगा। तो अब अपन देखते हैं इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, मस्कुलर वीकनेस हो जाएगी। मस्कुलर जब वीक होंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इरेटेबिलिटी हो जाएगी और क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्शियमिया हो जाएगा। ये क्या करता है पैराथॉर्मोन, क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को ब्लड में मेंटेन करके रखता है। इसको अपन हाइपरकैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिक हो जाएगा। हाइपोकैलेमिक मतलब जो ब्लड में कैल्शियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो जो फोस्फेट आयन है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अपन को पता है कि कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी होता है, मसल और नर्व्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या हो जाएगा, टेटनी हो जाएगी। इसको अपन पैराथायरॉयड या पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड टेटनी भी बोलते हैं। और जब ये टेटनी डायफ्राम के जो मसल्स में हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा। जब इंटरकोस्टल और डायफ्राम के मसल में टेटनी हो जाएगी तो उसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, एस्फिक्सिया हो जाएगा। और जब कैल्शियम की कमी होगी तो उससे क्या होगा, जो बेसल गैंग्लिया होगा वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाएंगे और जो बोन्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डेंस हो जाएंगी। ठीक है, फिर अभी अपन देखते हैं हाइपर सिक्रेशन। पैराथॉर्मोन का जो फंक्शन है वो क्या था, कि जो कैल्शियम का लेवल है ब्लड में उसको मेंटेन करके रखना। तो अब जब ये पैराथॉर्मोन अगर ज़्यादा ही रिलीज़ हुआ तो ये इसके फंक्शन क्या क्या हैं, और ये इसका रीज़न क्या होता है ज़्यादा रिलीज़ होने का, वही कि पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसमें कार्सिनोमा हो जाए। तो इससे सबसे पहले क्या होगा, ओस्टियोपोरोसिस होगा। ओस्टियोपोरोसिस होगा क्योंकि ये क्या करता है, अपन ने देखा ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो ओस्टियोक्लास्ट का क्या करते हैं, ये बोन पे फीड करते हैं। तो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ेगी तो वो बोन पे ज़्यादा फीड करेंगे, उसकी वजह से बोन क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और वीक हो जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। और ये क्या करेगा, जब अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी ज़्यादा होगा। अगर कुछ चीज़ ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में कैल्शियम तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, और जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से किडनी में स्टोन होंगे, किडनी और गोल ब्लैडर में क्या होंगे, स्टोन होंगे। और उस कैल्शियम ज़्यादा होगा तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा। और जब हाइपर कैलीमिया होगा तो ऑब्वियसली बात है हाइपोफोस्फेटीमिया हो जाएगा। कैल्शियम ज़्यादा होगा तो जो फॉस्फेट आयन है वो कम हो जाएंगे और बोन का क्या हो जाएगा, डीकैल्सिफिकेशन हो जाएगा और मैग्नीशियम की डेफिशियंसी हो जाएगी।